So I have a good news and a bad news and a good news. The good news is we have new Royal Enfield motorcycle Shotgun 650. The bad news is ki is color scheme mein bahut hi limited janta hogi, 25 log honge matra unko ye milne wali hai. Bahut sare log book karenge fir unme se kuch kisi ko pick kiya jayega, to agar aap lucky hain to aap unme se jeet jaoge. So this is kind of a bad news kyunki sirf 25 logo ko milega. But I have a good news as well. The good news is ki iska jo production version hai, मतलब जो मास वर्जन है वो भी आएगा, अगले साल आने वाला है. तो अगर आप 25 में से लकी नहीं हो तो उनमें से तो डेफिनेटली लकी हो जाएंगे. नमस्कार, खमागनी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग हैसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द न्यू रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650. Right, so you see the motorcycle और देखकर आपको शायद किसी और बड़ी मोटरसाइकिल याद आएगी जो कि 650 है. वो सेम इंजन आपको दिया गया है, डुअल एग्जॉस्ट आपके लिए दिए गए हैं. इस तरफ भी एग्जॉस्ट है, उस तरफ भी एग्जॉस्ट है. तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि कौन सा इंजन है. मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएगी कौन सा इंजन है. तो मोस्ट लाइकली स्पेसिफिकेशन भी उसके आसपास ही होनी चाहिए. एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन भी बताई नहीं गए हैं कि किस तरीके से वेट सेविंग हुई है, किस तरीके से डिजाइनिंग हुई है. उन सब का बहुत फर्क पड़ता है पावर टू वेट रेशो में, टॉक टू वेट रेशो में, हाउ इट राइड्स. थोड़ी नैरो मुझे नजर आ रही है कंपेरेटिवली इसकी एक बड़ी बहन से. अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे थोड़ी नैरो नजर आ रही है. एक बड़ा इंजन आपको दिया गया है, डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स हम, तो वो चीज़ आपको क्लियरली ये चीज़ नजर आ ही रही है. ये जो पेंट स्कीम है ना स्पेसिफिकली, इसको 25 लोगों के लिए क्यों रखा गया है उसकी बात करता हूँ मैं. ये जो कलर स्कीम है ये बेसिकली हैंड पेंटेड है, तो आर्टिस्ट का वर्क है. इट्स सॉर्ट ऑफ अ कस्टम वर्जन, तो आर्टिस्ट का वर्क है. और आर्टिस्ट का वर्क जो है बहुत ही लिमिटेड लोग इन्जॉय कर पाते हैं, तो इसलिए 25 लोगों को मिलेगा. बट अगर आप उतने आर्टिस्टिक नहीं हैं वो, अगर आपको लगता है कि रेगुलर वर्जन भी आपके लिए चलेगा, तो इसका फुल फेजर्ड प्रोडक्शन वर्जन जो है अगले साल आ जाएगा, तभी उसकी प्राइसेस भी जो है अनाउंस हमें की जाएगी. इसे आज मोटोवर्स में डेफिनेटली अनवील किया गया है. अब कुछ डिजाइन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं. ऑलराइट, एज यू कैन सी इट्स गॉट द फुल LED सेटअप. आप इंडिकेटर भी देखोगे तो आपको LED नजर आएंगे, मतलब ये सब चीज़ें आपको LED नजर आती हैं. उसके साथ साथ जो टैंक का शेप है वो काफ़ी सिमिलर लग रहा है इसकी बड़ी बहन जो कि हमने देखी है. ऑल्सो बिकॉज इट्स बॉबर, यू हैव द सिंगल सीट. पीछे अगर आप बोलोगे तो फिसल पट्टी खिला सकते हो अपने बच्चों को खड़ी खड़ी मोटरसाइकिल में, चलती हुई मोटरसाइकिल में नहीं. तो वो चीज़ है. बाकी आप सस्पेंशन का सेटअप देखोगे, फ्रंट में USDs आपको दिए गए हैं, बड़े चंकी USDs हैं. तो सस्पेंशन ड्यूटीज भी जो हैं वो थोड़ी हार्ड कोर, जो मोटरसाइकिल्स होती हैं थोड़ी भारी मोटरसाइकिल्स होती है, वैसा रखा गया है. मोनो सस्पेंशन नहीं रखा गया है. फिर टायर की अगर आप बात करोगे तो C8 के टायर्स हैं ये. ऑफ कोर्स अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं. टायर का साइज़ की अगर आप बात करोगे तो 190/18 सेक्शन का है. अगैन ये टायर जो है हम देखते हैं, और हाईवे टायर्स ऑफ कोर्स. और मैंने इसके बारे में बता ही दिया आपको कि भैया ये मोटे चंकी से आपको यू नो USD सस्पेंशन मिलते हैं. पीछे की तरफ अगर देखोगे तो रॉयल एनफील्ड की जो नई मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उनके जैसा ही आपको ट्रीटमेंट नज़र आता है. किसकी जैसी नजर आ रही है अज्ञान मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. बट हाँ, LED आपको दिया गया है, इंडिकेटर्स भी जो है आपको LEDs दिए गए हैं. और आप देखोगे तो यहाँ से कंपैरेटिवली काफ़ी गैप है, विच यू यूजुअली सी इन अ कैफे रेसर और अ बॉबर, वैसा वाला ट्रीटमेंट दिया गया है. बट आई थिंक सिंस इट्स सॉर्ट ऑफ अ बॉबर, तो और क्योंकि रॉयल एनफील्ड को हम जानते हैं कि कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत सारे देते हैं, हो सकता है सीट वाला वर्जन जो है या सीट जो है वो आपको ऑफर कर दे एज एन एक्सेसरी. बट वो जब लॉन्च होगा तब उसके बारे में बात करेंगे. बट मोटे मोटे तौर पर इट लुक्स रियली स्टाइलिश, स्पेशली इन दिस कलर. और एक्चुअली बहुत अच्छा कलर है, ऐसा कलर हमने अभी कोई भी प्रोडक्शन वर्जन जो रॉयल एनफील्ड है उसमें नहीं देखा है. दिस डेफिनेटली लुक्स रियली रियली कूल. व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर स्पीडोमीटर की बात करोगे, मतलब कंसोल की बात करोगे, तो इट्स द सेम एज मैनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स. द प्रॉब्लम आई थिंक इज कि जो हिमालयन में दिया गया है ना, जिसमें नेविगेशन प्रॉपरली यहीं पर ही आ जाता है, वो दे दिया जाता है. यहाँ पर आपको ट्रिपर दिया गया है जो कि हम बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, तो टर्न बटन नेविगेशन आपको मिलने वाला है. तो आई विश वो दे दिया जाता. और जैसे कि आपको नजर आ रहा है शोवा के आपको सस्पेंशन दिए गए हैं. हैंडल बार जो है इट्स रादर स्ट्रेट, काफ़ी अपराइट पोजीशन के हिसाब से आपको दिया गया है, मैंने बैठ के भी अभी देखा था. और ये आपके यू नो साइड मिरर्स हैं जो कि एकदम बार एंड पे आपको लगाए गए हैं. तो वो चीज़ें हैं. बटन्स दे लुक वेरी वेरी फेमिलियर, जो कि हम रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स में देखते हैं. दैट्स हाउ इट साउंड्स. अब साउंड की बात हो गई है, मोटरसाइकिल मैंने आपको दिखा दी है, तो अब एक और साउंड मैं आपको सुनाता हूँ. नाउ दैट्स हाउ इट साउंड्स. रादर स्मूथ और लग रहा है, करते हैं रादर स्मूथ और लग रहा है कि थोड़ा सा रिफाइनमेंट लेवल पे और ज्यादा काम किया गया है, जस्ट टू गिव इट दैट कैरेक्टर कि आप हाई रेव्स पे जब चलाओगे तो वो आपको जो खूबसूरती है इस मोटरसाइकिल की वो नजर आएगी. बट अगेन अभी तक मैंने चलाई नहीं है, चलाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ.
But this is the Royal Enfield Shotgun Twin 650. अब Twin 650 से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए.